सरकार के साथ किसान संगठनों की होने वाली आज की मीटिंग पर सभी की नजरें टिकी हुई थी कि आज की मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कोई पॉजिटिव बात किसानों के लिए निकलकर सामने आएगी। मीटिंग बहुत लंबी चली, लेकिन मीटिंग के बाद सरकार की ओर से यही निकला कि एक समिति बनाई जाएगी। किसानों का एक ही मसला है कि नए कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों का कहना है कि बातचीत भी जारी रहेगी, लेकिन उनका धरना जारी रहेगा। स्टेटा तो आ रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। प्रभाव देखिए, परसों के आगे परसों जो दोबारे बैठ जाएंगे। टाइम सानू नहीं दिया, शायद सदी के साथियों को टाइम मिल जाने। थोड़ा सवाल नहीं मेरे समझा, दोबारे करना पू सवाल सोनू। हाँ, मैं झंडा सिंह हाँ, पिंड मेरा जेठू की है। भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां दा, मैं सूबे का सीनियर मित प्रधान। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आए, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। यदि सरकार नु लगता सी कि हरियाणा को रोक लो, हरियाणा तो कहां ना आने दो, इन्हां दे एडे वड्डे रोकां खड़िया करिया हुईयां सी, सत सत फुट अठ अठ फुट मिट्टी चढ़ाई हुई सी, ओहदे विच पोर सी, वड्डे वड्डे पत्थर सी, ते लोकां ने ओह चुंडियां नाल जकड़ना होवे पासे करके इत्थे पहुंचे है। आपका आंदोलन लगातार सात में जारी रहेगा। अंदर जो बातचीत हुआ है, खेती बाड़ी मंत्री बोल रहा है कि छोटा कमेटी बना लो, हम छोटा कमेटी से बात करेंगे। धरना क्या, प्रोटेस्ट किस तरह? धरना कंटिन्यू जारी रहेगा, धरना नहीं उठेगा, मगर कल हम लोग अध्ययन करके पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट बनाकर कल परसों के दिन बैठ के। सर क्या बातचीत हुई आज, बात क्या हुई जिसपे आप लोग धरना? अरे बात तो यही हुई, हमने कहा कि किसी भी हालत में हम धरना नहीं उठाएंगे, धरना नहीं उठेगा, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। प्रोजेक्ट तो अभी तक तो जारी रहेगा, ये तो जत्थेबंदियों ने कहा है, प्रोजेक्ट जो जारी रहेगा और जो परसों बुधवार की मीटिंग होगी उसमें फिर डिस्कशन होके अच्छा हल निकल जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग कब है सर? परसों परसों बुधवार 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 हाँ थर्ड परसों होगी। देखो जी, 3 घंटे बाद चली है जी। कुल मिलाकर कहना होगा तो जो ये बात है बेसट्टा रही है, कोई सट्टा नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं है। क्यों? अब 3 तारीख को एक बार फिर सरकार और किसान संगठनों के बीच में मीटिंग होगी, लेकिन किसान बॉर्डर पर ऐसे ही डटे रहेंगे। किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हरियाणा, यूपी, राजस्थान से भारी मात्रा में किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटना शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मसला।